हेलो सभी को, गुड इवनिंग। तो सभी लोग जो है वो आ जाओ, कुछ लोग आ गया है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। कुछ लोग आया है, ज्योति, ऋषभ, ठीक है, साक्षी, चलो ठीक है। तो आज का क्लास हम लोगों का फिजिक्स का है। चूँकि 3 दिन जो क्लास नहीं हो पाया, नेटवर्क में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि लाइव हो ही नहीं पा रहा था, जिसके वजह से जो है लाइव को जो है मतलब क्लास अटेंड करना ही था। समय तुम लोगों का जो है बर्बाद होता, पढ़ाई में बर्बाद होता, इसलिए वाईफाई लगवाया गया, जिससे अब जो है तुम लोगों को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर जो है लोडिंग ले रहा है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों का, ठीक है ना। तो अब हम लोग कंटिन्यू क्लास जारी रखेंगे, सभी को जो है वो समय पर आना है। तो टाइमिंग जो थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि 10th का क्लास स्टार्ट करते हैं 5 बजे, ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो जो टाइमिंग जो है ना वो 5:10 से रख लो, 5:10 से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग जो है डिले हो जाता है, क्योंकि 5 बजे छोड़ते ही हैं, 5 बजे छोड़ते हैं, उसके बाद फिर 2-3 मिनट सेटिंग करने में लग जाता है अगेन लाइव करने के लिए, तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए जो है 5:10 में तुम लोग का टाइमिंग फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेट करते हैं, चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज MWF में फिजिक्स हम लोग का है ना, तो आज हम लोग का फिजिक्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। हाँ अच्छा, एक चीज़ और का नोटिस देना है टेस्ट के बारे में, कि टेस्ट संडे को टेस्ट है, जैसा कि सभी लोगों को पता होगा, और कुछ लोगों को मतलब सभी लोगों को जो इसका टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो है लिस्ट सभी को भेज दिया गया था, जिसमें टेस्ट का तारीख दिया है, किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, किस तारीख को कौन सा टेस्ट है। चलो ठीक है, तो टेस्ट अब की बार जो है वो टेस्ट में सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, तभी जाकर टेस्ट में बैठ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, देखो पिछले बार जो है वो टेस्ट हुआ था किसी अदर साइट से हुआ था, तो टेस्ट इस बार अपना खुद का साइट से होगा, इंस्पायर क्लासेस मधुपुर का जो साइट है उस खुद उसी साइट पर जो है टेस्ट होगा। तो जिसके लिए टेस्ट के लिए जो सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, तो साइट पर जाना है, साइट का लिंक हम सभी को भेज देंगे, साइट पर जाना है, और साइट पर जाने के बाद वहां पर साइड में जो है वो लिखा हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक करना है, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में जो अपना नाम लिखना है, ठीक है ना, अपना नाम लिखना, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और अपना जो है फोन नंबर लिखना है, और सबमिट कर देना है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही टेस्ट में बैठ सकता है, रजिस्ट्रेशन फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अभी जो है इसमें लिंक भेज दिया गया है, तुम लोग को जा करके कर सकते हैं, लेकिन अभी लिंक नहीं डाला हुआ है, लिंक जो है टेस्ट खत्म मतलब क्लास खत्म होने के बाद लिंक उसमें चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्लास खत्म होने के बाद उसमें लिंक हम चढ़ा देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलो तो उसके बाद होमवर्क तुम लोगों को टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम में इंस्पायर क्लास मधुपुर सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद जो भी होमवर्क होगा, जो भी नोट्स है, PDF है, सारा चीज वहीं पर तुमको मिलेगा, वहां से जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इतना बताना था, हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके चलो, तो हम लोग चूंकि क्लास 12th में क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लास 12th का हम लोग का फिजिक्स का आज क्लास है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये सब टॉपिक क्लियर कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक चलना है, कौन सा टॉपिक चलेगा, तो हम लोग ये सब टॉपिक भी क्लियर कर लिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये सब टॉपिक हो चुका है। फिर आगे हम लोग ये भी पढ़ लिए थे, चार्ज डेंसिटी ये सब हो गया था, चलो ये सब कर लिए। हाँ यहाँ से आज हम लोग को स्टार्ट करना, आज का टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस है, उसके डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे अब। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग कंसीडर ये कर लेते हैं, ठीक है ना, सभी को लिंक शेयर कर दो, चूंकि अभी बहुत कम ही लोग आया है इसमें, सभी को लिंक शेयर कर दो जो भी है। चलो तो सबसे पहले हम लोगों को या तो ये क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो दैट, ठीक है ना, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा ना, वो किसके अब इक्वल होगा, तो नेगेटिव होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसी चीज को हम लोग को प्रूव करना है और हम लोग को जानना है, ठीक है। चलो जो भी परेशानी होगा कमेंट करके पूछना। चलो
अब क्या है, हम लोगों के पास में ये एक हम लोग इस तरह से सिस्टम तैयार कर लिए। तो क्या सिस्टम तैयार किए कि कंसीडर कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कितना, प्लस क्यू के वजह से। तो मान लिए यहां पर हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज, क्या है प्लस क्यू चार्ज, उसको हम लोग किसी पॉइंट ओ पर लोकेट कर दिए, ये पॉइंट ओ है, इसको यहां पर लोकेट कर दिए। तो इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहां पर कुछ ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ ना कुछ जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग सपोज करो कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट मान लिए, कोई इन्फाइनाइट से कोई चार्ज लाए पॉइंट ए पर लाए, और कोई इन्फाइनाइट से कोई पॉइंट बी पर चार्ज लाए, ठीक है ना, कोई पॉइंट लाए, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा इससे नजदीक है और इससे एक पॉइंट मेरा दूरी पर है, थोड़ा सा अलग फर्क है, छोटा डिस्टेंस, मतलब कितना, डी आर से दोनों का सेपरेशन है, पॉइंट ए का पॉइंट बी का जो सेपरेशन है वो डी आर है, और डी आर का मतलब छोटा सा आर, ठीक है ना, छोटा सा आर, मतलब बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो तो यहां से देख सकते हैं, सपोज कि लेट ए एंड बी द टू एडजेसेंट पॉइंट सेपरेटिंग बाय अ डिस्टेंस डी आर, डिस्टेंस डी आर। अच्छा देखो, तो यहां से इनफाइनाइट से पॉइंट यहां पर लाने के लिए इसका सपोज करो इसका पोटेंशियल कितना होगा, मान लिए कितना, भी ए, कितना मान लिए, भी ए मान लिए, ठीक है ना। चलो भी ए क्या हो गया, भी हो गया। अब देखो अगर इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर अगर लाए तो इसका पोटेंशियल इसके वजह से कितना होगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा तो डिस्टेंस ट्रेवल करा, थोड़ा सा ज्यादा वर्क डन होगा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब इसका क्या होगा, पोटेंशियल हल्का सा ज्यादा, तो क्या होगा, भी भी बराबर डी आर प्लस, क्या डी भी लिख सकते हैं, इसका भी है तो इसका डी भी थोड़ा सा ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, समझ आ रहा है ना। तो इसका क्या होगा, भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी प्लस डी भी होगा, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि लेट भी एंड डी भी एंड डी भी बी द पोटेंशियल एट द टू पॉइंट, पोटेंशियल एट क्या, टू पॉइंट, ये और ये पॉइंट पर हमारे पास में पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब क्या है कि अब बताओ कि इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं इनफाइनाइट से इस जगह पर या इनफाइनाइट से बी पॉइंट पर लाने के लिए कितना फोर्स लगाया गया, सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास में क्या है, ये एक सिस्टम है, वही सिस्टम को यहां दिए हैं, पॉइंट हमारे पास में प्लस में क्यू चार्ज है, ओ पॉइंट पर रखे हुए, इनफाइनाइट से ए पर लाए, इनफाइनाइट से बी पर लाए, तो इनफाइनाइट से ए पर लाने पर इसका पोटेंशियल भी है, इनफाइनाइट से बी पर लाने पर इसका पोटेंशियल भी, प्लस में डी भी है। चलो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन हम लोग को करना पड़ रहा है, तो वही हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। देखो हम लोग क्या लिख लेंगे कि द एक्सटर्नल फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कौन सा कोई टेस्ट चार्ज है, ये तो सोर्स चार्ज हो गया, ये सब जो ला रहे हैं टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर हम लोग कहीं पॉइंट से इनफिनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं तो इसके अगेंस्ट ना ला रहे हैं, तो कितना फोर्स होगा, तो इस फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्यू इन टू, जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ बराबर क्या है, माइनस में क्यू नॉट इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू क्या है, क्यू हमारा। तो यहां पर ये जो माइनस लगा है वो क्यों लगा है माइनस, तो माइनस लगने का मेन कारण इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ना फोर्स लग रहा है, तो जब अगेंस्ट में फोर्स लगेगा मतलब नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए यहां पर एफ इक्वल टू नेगेटिव क्यू ई, सॉरी क्या है, क्यू नॉट इन टू ई लिख सकते हैं। चलो कितना फोर्स हम लोग इसमें लगा दिए, पीछे स्लाइड का नहीं लिख पाए, अच्छा पीछे स्लाइड का नहीं आया है, चल चलो लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से तुरंत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत, डन भैया। चलो ठीक है, आदित्य मेहरा भी आज आ गया है, चलो सही है। हर्ष आया कि नहीं आया, हर्ष है, अभिषेक है, सभी को नाम लिखना है, सबका अटेंडेंस बनता है, सभी का रजिस्टर में अटेंडेंस बनता है, कौन एबसेंट है कौन नहीं है, समझा, इसलिए सभी लोग नाम लिखेगा कि कौन है कौन नहीं है।
हाँ तो हो गया इसका। अब देखो क्या है कि कितना फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, किसी का कुछ ऐसा भी डाउट है कि क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो नहीं समझ में आ रहा पूछो, जो दिक्कत है चार बार पूछो चार बार बताएंगे, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास चल रहा तो नहीं बताएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछो दोबारा तिबारा बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। अब बोलेगा क्लास की समझ में नहीं आता, तो ऐसा कोई नहीं आ रहा पूछो चार बार पूछो पांच बार पूछो चार पांच बार बताएंगे, जैसे लाइव क्लास में जैसे अटेंड करके बताते हैं बस वैसे ही बताया जाएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो तुरंत पूछो कि हाँ यहाँ पर ये लाइन में ये नहीं समझ में आएगा, उसको पीछे करके बताएंगे हम। चलो तो क्या है ये समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है इसमें इस तरह से। चलो अब क्या कि कितना फोर्स लगा, तो इसको इसके अगेंस्ट में ले जाना है, तो फोर्स बराबर कितना इसमें क्या है ई है, कितना चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका ई हो जाएगा। चलो ठीक है अब ये हो गया। अब एक चीज और है, ये है कि अगर रेगुलर नहीं करेगा तो समझ में तो नहीं आएगा, ये तो बात है, एक दूसरे से लिंक रहा था, जैसे कि ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़े थे वहां पर, अब वो नहीं क्लियर करेगा तो यहाँ पर तो दिक्कत होना ही है ना तुम लोग को, तो रेगुलर रहो तब ना अच्छा होगा। ठीक चलो तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से एफ इक्वल टू क्या माइनस क्यू नॉट इन टू ई, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब हम लोग के पास में क्या हुआ करता है वर्क डन की बात, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे तो कुछ ना कुछ वर्क तो होगा ही ना, कितना वर्क होगा तो हमारे पास में वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब चलो सपोज ए से, अब चूंकि यहां से इन्फिनाइट से ए पर लाए तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया बी हो गया, कम एनर्जी लगा कम हम लोग इसमें वर्क डन किया, लेकिन अगर इन्फिनाइट से अगर बी पॉइंट पर लाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है तो वर्क भी ज्यादा होगा, वर्क भी क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब लिख सकते हैं हम लोग वर्क बराबर कितना होगा ए से लेकर बी जा रहे हैं तो इसका कितना वर्क होगा, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं एफ कितना फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वर्क डन कितना होता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है जानते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है यही वाला फोर्स लगाए हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलो आ रहा समझ में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स लगाए हैं तो फोर्स हमारा एफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी आर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यही ना वर्क का इसका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर, तो लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, अब जो फोर्स है वो फोर्स कितना वैल्यू इतना लिख दो, क्लियर हो रहा है ना। चलो वैल्यू को हम लोग यहां लिख देंगे, तो वैल्यू जैसे ही लिखेंगे ना तो हो जाएगा W बराबर F इंटू डी आर इक्वल टू F का वैल्यू कितना माइनस में Q नॉट इंटू E, लिखो माइनस में Q नॉट इंटू E और इंटू क्या है डी आर, तो इसको मान लो इक्वेशन वन, इसको फर्स्ट में क्या मान लिए है इक्वेशन वन मान लिए, कोई दिक्कत है। चलो तो पहला पॉइंट हमारे पास में ये, अब नेक्स्ट अब देखो वर्क डन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू, अब इसमें ये भी वर्क डन हो सकता है, जैसा कि हम लोग जाने थे वर्क डन का पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में अगर देखें कितना वर्क लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग जान रहे हैं ना कितना वर्क है, तो चार्ज कितना है उसके पास, तो चार्ज इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें यहां से लेकर यहां तक लाए हैं तो पोटेंशियल भी है यानी कि भी ए है, और यहां से यहां पर लाए तो उसका क्या हो गया भी हो गया, तो वर्क का फॉर्मूला भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वर्क बराबर चार्ज क्या होता है और उसका कितना इसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू क्या है भी, ये जाने थे ना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हम लोग भी बराबर क्या था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल क्या देने थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर के यहां तक ले जाने में, मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को किसी पर्टिकुलर ए तक ले जाने में कितना वर्क डन लगा, मतलब वर्क डन पर इस वाला यूनिट चार्ज, तो भी बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा इस चार्ज को जब इधर ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा डब्ल्यू बराबर भी इंटू क्यू, तो यही क्यू हमारा है चार्ज, क्या है चार्ज, और भी हमारा क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो लिख सकते हैं W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये वाला समझ आ गया ना कैसे फॉर्मूला आया W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, जैसा कि पढ़ रखे हैं भी बराबर W बटे क्यू, पोटेंशियल बराबर क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब ये चार्ज हमारा है ये W है, हम लोग इसको सब्जेक्ट बना दिए वर्क को, तो इस तरह से आ जाएगा, बताओ समझ आ रहा है। अब देखो चार्ज क्या है, तो जैसा कि लिख सकते हैं चार्ज इस पर कितना है, कौन से चार्ज को ला रहे हैं चार्ज हमारे पास में क्यू नॉट ना, चार्ज को इनफिनाइट से ला करके यहां पर रख रहे हैं यहां पर रख रहे हैं, तो वही चार्ज हमारा। अब दोनों में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, तो इस जगह पर ए वाले पर है भी ए और इस जगह पर है थोड़ा सा ज्यादा होगा भी थोड़ा सा ज्यादा कितना भी ठीक है। चलो अब ये भी ए है और ये भी है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, तो डिफरेंस मतलब छोटा सा डिफरेंस, तो डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डी भी लिखा जा सकता है, इसको मान लो इक्वेशन टू, इसको क्या मानेगा इक्वेशन वन, इसको मान लो इक्वेशन टू, पहला दूसरा समझ आता है। चलो
तो अब दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मान लिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों को रिलेट कर सकते हैं। जैसे रिलेट करेंगे मतलब क्या, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, देखो यहां पर भी ये वाला भी वर्क है, ये वाला भी वर्क है, तो वैल्यू तो सेम आएगा, इसका कितना वर्क इसका कितना वर्क सेम चीज पर लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से क्या आ जाएगा बता दो, ये हमारा है माइनस में क्यू नॉट, ठीक है ना, ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, इसका वैल्यू बराबर इसका वैल्यू। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है कि ये वाला क्यू नॉट और ये वाला क्यू नॉट हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है ना। चलो अब यहां पर हम बनाते हैं, मार्कर से दिखता नहीं होगा, दूसरा मार्कर लेते हैं। सर सेकंड इक्वेशन का एक बार वापस बता दीजिए, सेकंड इक्वेशन का, अच्छा सेकंड इक्वेशन का एक बार फिर से बता दें। चलो तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है ना कि ये वाला हमारे पास में देखो ऑल्सो क्या है कि वर्क डन, वर्क इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, हम लोग कोई भी इनफाइनाइट से, चलो अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज क्या हो गया कि देखो ये वाला जो पहला क्या वर्क है, ए से लेकर बी जाने में कितना वर्क हुआ किसके रिस्पेक्ट में, तो उसका चार्ज कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, मतलब वर्क बराबर कितना एफ इंटू डी आर। दूसरा वर्क इसमें ये भी हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, तो पहला पॉइंट में भी हमारे पास में ये था, फर्स्ट पॉइंट में था क्यू नॉट, अब ये धीरे 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 यहां ले आए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क होगा किसके रिस्पेक्ट में, अब पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। अगर देखें तो वर्क बराबर जैसा कि हम लोग जाने हैं, या फिर हम लोग पोटेंशियल बराबर क्या जाने हैं, भी बराबर, मतलब पोटेंशियल बराबर कितना होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये ना होता भी बराबर वर्क डन, इसको यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन कौन सा पर यूनिट चार्ज, कोई भी यूनिट चार्ज है इस वाला यूनिट चार्ज मानकर चलो, क्या है इस यूनिट चार्ज को यहां से यहां ले जाने में, तो वर्क डन इस चार्ज पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना, कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो क्यू डब्ल्यू, तो भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो अब यही ना हमारा हो गया वर्क, और यही हमारा क्या होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बराबर यहां पर क्या है चार्ज है, यहां पर क्या है चार्ज है। अब देखो तो हमको वर्क ना निकालना है, तो चार्ज को इधर घसका दो ना, तो कितना होगा वर्क बराबर, वर्क बराबर चार्ज इधर घसक जाएगा, तो चार्ज इनटू पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखे हैं। अब देखो चार्ज कितना, कौन सा चार्ज को मूव करा रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं ना, तो टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज को जैसे मूव करा रहे हैं इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो क्या होगा चार्ज हमारा क्यू नॉट, वही क्यू नॉट लिखे। अब पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल का डिफरेंस हमारा क्या है बताओ, ये है पीडी, मतलब क्या है इसमें पोटेंशियल भी वन, इसमें पोटेंशियल भी, तो दोनों का माइनस करना हो गया, समझ आया, समझ आ गया, हाँ क्लियर है, चलो क्लियर, ठीक है। अब इसी चीज को लिखें, अब दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दो एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर दो, पहला दूसरा, तो जैसे रिलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो, तो वही फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो क्या होगा बता, माइनस में क्यू नॉट ई और क्या होगा डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी बी, ठीक है, दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करा दिए, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, अब दोनों कट जाएगा हमारा, तो यहां से ये क्यू नॉट, यहां से ये क्यू नॉट, दोनों कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, माइनस रह गया, ई रह गया, डी आर रह गया और डी बी रह गया, तो इसको क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ई को रहने दो और डी आर को नीचे ले आओ, तो क्या होगा ई बराबर, ई बराबर कितना होगा माइनस में डी बी बाय क्या आर डी आर, होगा कि नहीं होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो टर्म आया ना इसी को कहते हैं क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले हम लोग देखे थे क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो डी वी बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कहेंगे, तो बस यही इसका है, प्रूव करो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्या जी किसी को कोई दिक्कत है, समझ आया सभी लोगों को, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डी वी By dr का जो रेशियो है इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है आगे बढ़ते हैं, डन, चलो ठीक है, सभी लोग बता देना।
सबका हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? समझ आया सभी लोगों को? सभी लोग करो रिप्लाई। चलो ठीक है। तो अब जो है इसके बाद मिटा दें इसको। ठीक, चलो। तो अब जो मेरे पास है अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारे पास में हाउ कैन यू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है, नॉन एट एनी पॉइंट। हम लोगों के पास में अगला जो टॉपिक आया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फ्रॉम कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये टॉपिक हम लोग का है। पोटेंशियल निकालना फील्ड से, पोटेंशियल निकालना है फील्ड से। चलो, तो अभी अभी तुरंत हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करें पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलो, तो क्या देखें हम लोग अभी ई बराबर माइनस में डी भी बाय में क्या डी आर। देखें ये चीज देखे थे, इसमें से ये वाले पार्ट को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। चलो अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या अरेंज करते हैं? देखो इस तरह से डी भी इक्वल टू क्या होगा? ई डी आर। ई और डी आर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, माइनस वाला पॉइंट यहां पर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, इन दोनों को लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करो इन दोनों को, क्योंकि हमको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना, ये हम लोग का जो है टॉपिक है। चलो, तो E बराबर माइनस में डी भी बाय क्या डी आर है, इसको उधर भेज दिए तो कितना होगा, डी भी इक्वल टू माइनस में E इंटू डी आर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमको तो यहां से ये वाला गायब करना है इसको, तो क्या करो ना कि ये वाले को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे कुछ लिमिट लगाकर, तो इसको हम लोग क्या है कि कुछ लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग विथ सुटेबल लिमिट, सुटेबल लिमिट। तो कुछ सुटेबल लिमिट के साथ में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कुछ सुटेबल लिमिट हमारे पास में क्या, आर वन से आर टू क्या होगा, आर वन टू आर वन, सॉरी आर वन टू आर टू से इसको इंटीग्रेट करते हैं ये वाले को। तो ये वाला भी वन से भी टू होगा, क्योंकि पहला अगर मानकर चलो कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर तो इस वाले पॉइंट का हमारा आर वन होगा, इस वाले पॉइंट का कितना होगा, आर टू होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर पॉइंट है ना, तो इस वाले पोजीशन पर भी वन होगा, तो इस वाले पोजीशन पर क्या, भी टू होगा, ठीक है ना। चलो, तो वही चीज लिखते हैं, क्या होगा बताओ, भी वन क्या भी टू और क्या डी भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटीग्रेशन माइनस को बाहर आने दो, ई इंटू डी आर, कहां से, डी आर से, सॉरी क्या है, आर वन से आर टू तक। बोलो समझ आता है? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इंटीग्रेशन जो है डीवी का क्या है, लिमिट भी वन से भी टू अगर हम लोग देखें, तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कुछ ऐसा, भी टू और माइनस में क्या, भी वन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, अब यहां पर ये वाला तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होना है इस पॉइंट चार्ज के वजह से, इसको तो नहीं ना बदल रहे हैं, ये तो फिक्स है ना, तो ये तो हमारा वही रहेगा, कॉन्स्टेंट है। इसको बाहर निकालने क्या कर लिए, इसको हम लोग वो जो है बाहर निकाल लेते हैं। अब चलो, अब हमारे पास में क्या है, इसका आर वन से आर टू और क्या हो जाएगा, डी आर आ जाएगा। तो ये टर्म्स हमारे पास में निकल करके आया। अब क्या है ना, सपोज कर लो कि हमारे पास में ये जो पहला वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक जा रहा है ना, तो ये वाला कुछ इनफाइनाइट से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। तो जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो हम लोग इसको क्या, इनफाइनाइट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है? इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है। कितना होगा? जीरो होगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा जीरो। तो यहां पर सपोज कर सकते हैं, सपोज लेट अस सपोज, लेट अस सपोज पॉइंट भी, मतलब भी वन इज एट इनफाइनाइट, इसलिए एट इनफाइनाइट पोजिशन, एट इनफाइनाइट पोजिशन पोटेंशियल, पोटेंशियल
इज क्या जीरो, पोटेंशियल इज जीरो, तो वहां जीरो करेंगे तो वी टू माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा E, और यहां पर देखो R भी तो मेरा इन्फाइनाइट हो जाएगा, R भी तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, यहां पर था ना इन्फाइनाइट से लाया तो ये R कितना इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट टू कितना R बाई डी आर, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो वी टू बराबर कितना हो जाएगा, वी टू मतलब क्या पोटेंशियल, वी बराबर ई इंटू क्या है आर इंटू डी आर, तो यहां से कुछ इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकाल लिया, हम लोग को पोटेंशियल निकालना था, निकालने पोटेंशियल बस हो गया, यहां से पोटेंशियल निकालना था पोटेंशियल निकल गया, तो बोलो समझ आया कोई दिक्कत है, निकल गया भी पोटेंशियल कितना था, अब भी टू लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि अब तो है नहीं ना एक ही वो पॉइंट हो गया ना, तो कितना निकल जाएगा, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं पोटेंशियल जो है वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी आर, जो भी डी आर दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर दो निकल आएगा। तो बोलो ये टॉपिक समझ आया या फिर से एक बार एक्सप्लेन करें इसको, कोई दिक्कत है किसी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता हो जाएगा पोटेंशियल पता कर सकते, मतलब फील्ड पता हो जाएगा तो आर तो पता चलेगा ना इन्फाइनाइट से वो कहां तक जा रहा है, इन्फाइनाइट से आर जो है वो कहां तक जा रहा है कुछ किसी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, सभी लोग बताया तो कोई दिक्कत है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल क्या, तो वही फॉर्मूला हमारा हाउ कैन यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एट पॉइंट, तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेगा, ऐसे निकालेंगे हम लोग, हम लोगों को ई दिया रहेगा भी निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करना है वही जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे वही इतना दिया हुआ, अब क्या है ना कि सपोज हमारे पास में कुछ क्या है डीवी, चूंकि डिफरेंस है ना दो पॉइंट ले लेंगे, तो यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट, यहां से लेकर इस पॉइंट वाले इंटीग्रेट कहां से कहां तक v1 से इस पोजीशन पर है तो v1 होगा, इस पोजीशन पर तो v2 होगा, मतलब v1 से v2 को लिमिट बैठा दो, अब यहां पर r1 है r2 है तो r1 से r2 भी बैठा दो, ये वाला r1 हो गया ये r2, अब मान के चलो r1 हमारा इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है शून्य हो जाता है ना, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, अब इनफाइनाइट r1 इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट 2 क्या है r2, अब यही चीज पता हो गया तो हमको e पता रह जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल, चलो ठीक है अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, दो ये टॉपिक क्लियर हो गया, दो टॉपिक दूसरा टॉपिक, चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, इसी से रिलेटेड हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम है, चलो क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट हमारे पास है, इसको मिटा देना स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, चलो तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दो ठो मेटल प्लेट है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट 3 mm को से हम लोग उसको सेपरेट कर दिए, ठीक है, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, सबको 12 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, चलो तो हमारे पास में चलो दो मेटल प्लेट ले लेते हैं, दो टू मेटल प्लेट इस तरह से, अब इसको सेपरेट कितना किया है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 mm है, कितना एम एम है 3 mm है, अब सबको कनेक्ट कर दें कितना 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब हम लोगों का वोल्ट पता, वी का वैल्यू पता है कितना 12 वोल्ट, चलो ठीक है, हम लोगों को आर का वैल्यू पता है कितना 3 mm, कितना एम एम 3 mm, निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कनेक्ट इतना, ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या है इसका क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फाइंड द छूट गया ऊपर चले गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm अपार्ट कनेक्टेड टू इतना, ये चीज पता है हमको, निकालना है क्या ई निकालना है, क्या निकालना है ई निकालना है, तो अभी हम लोग देखें ना ई बराबर कितना, ई बराबर वी बटे आर, ठीक है, डी वी बाय क्या डी आर, ये ना देखें तो वी था डिफरेंस के लिए छोटे से के लिए, तो वी डी वी छोड़ दो, ये भी डी वी छोड़ दो, तो ई का वैल्यू ई निकालना है, बी का वैल्यू 12 3 सॉल्व कर लो आ जाएगा, या इसको सॉल्व मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर दो कितना होगा 3 × 10⁻⁴ cm, चलो ठीक है, तो इतना × 4 cm, अब सॉल्व कर लो जो आएगा आंसर हो गया,
ठीक है, बस हो गया, 3 × 12 ऊपर जाएगा, 4 × 10^4 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल आएगा 4 × 3 होगा, 1 घट 0 घट जाएगा, निकाल लिए। तो इस तरह से जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन, पता रहेगा तुमको, या इसी में तुमको आर पता है, ई पता है, भी निकालो। तो भी निकालने के लिए भी बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू आर। अब पूछा है सेपरेशन का, तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से, इनफाइनाइट से क्या कहाँ पॉइंट तक जाना है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, समझ आ गया होगा सभी लोगों को। चलो अब अगला टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो कुछ पीडीएफ वगैरह मिलते जाएगा। अच्छा, 10th और 12th दोनों का वही ग्रुप है, ठीक है ना, तो अपना वाला देख करके डाउनलोड करना, ठीक है ना। 10th का भी वही ग्रुप में भेजा जाएगा, 12th का भी वही ग्रुप में भेजा जाएगा। तो 10th वाला लोग और 12th वाला लोग दोनों अपना अपना देख लेना, मटेरियल क्लास लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पर नाम अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो नाम हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल है, ये मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब, और पोटेंशियल का मतलब क्या, पोटेंशियल, उसका जो भी पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, इसका जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या है, सेम है, उसका वैल्यू कितना है, सेम है। चलो तो ये हमारे पास में एक सरफेस है, सपोज करो सरफेस, ये छोटा सा पॉइंट हम लोग लिए हुए, छोटा सा एक पॉइंट हम लोग ले रखे हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो भेज दिया गया है तुम लोगों को, तो ज्वाइन कर लेना बाद में, अभी नहीं। चलो तो ये सरफेस हमारे पास, चलो इस पॉइंट से अगर हम लोग पकड़ें और यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आर है वो आर क्या सेम है, आर हमारा क्या सेम है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस आर है। चलो अब छोटा सा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर गए, तो ये जो डिस्टेंस का यहाँ पर भी तो सेम है ना, चूंकि सर्कल है ना, सर्कल है मतलब रेडियस हमारा सेम होगा। चलो अब यहाँ गए तो यहाँ पर भी आर हमारा वही है, यहाँ भी गए आर वही, 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 यहाँ भी गए वही आर, यहाँ पर भी गए आर सेम, 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 मतलब सब पॉइंट के लिए अगर निकालें, इसके 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 सभी के लिए निकालें, मतलब ई बराबर कितना होगा बताओ, ई बराबर भी बटे क्या है, मतलब लिख सकते हैं इसको, यही ना चीज होता है। अब इसको उधर ले आते हैं, मतलब आर इंटू इक्वल टू भी, ठीक है ना, इसके लिए वही चीज होगा, आर इंटू इतना इंटू, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, कॉमन है ना, सेम चीज है, आर सबका सेम है, तो बताओ ये भी ई भी तो सेम है, तो जब सेम है तो पोटेंशियल भी तो सेम होगा। इस वाले पोजिशन पर अगर रखो, चाहे इस वाले पोजिशन पर रखो, 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 हर पॉइंट पर रखो, तो हर पॉइंट पर तो पोजिशन का सेम है, पोजिशन सेम है मतलब क्या, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है मतलब इक्वल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा वो सेम होगा, उसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, इसका हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, चाहे इस पोजीशन की बात करो, चाहे यहां से अगर यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक जाने में, यहां से लेके यहां तक जाने में, सब में तो पोटेंशियल सेम लग रहा है, यहां भी जाओ पोटेंशियल सेम, यहां भी जाओ पोटेंशियल सेम, यहां भी जाओ सेम। अब क्या करें, बात कर सकते हैं दूसरा, अगर यहां से यहां जाते हैं और यहां से यहां जाते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है मतलब क्या, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। चलो यहां पर देख सकते हैं, कोई चार्ज यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, या फिर सब सपोज करो कि हम लोग कोई गोल सा सामान लें, जैसे तारबूज ले रही है, अब तारबूज को छोटा सा पीस काटेंगे, छोटा सा पीस काटते हैं, छोटा सा यहाँ से ये वाला पार्ट काटते हैं, तो ये छोटा सा आएगा, तो इसका हर सरफेस से सेंटर से यहाँ जाओ, सेंटर से ये वाले पार्ट पर जाओ, सेंटर से ये वाले पार्ट पर जाओ, ये वाले पार्ट पर जाओ, ये वाले पर जाओ, ये वाले पर, हर पॉइंट पर सेम डिस्टेंस है, और सेम डिस्टेंस है मतलब क्या होगा, वैल्यू भी सेम होगा। यहाँ पर पोटेंशियल की बात करो, यहाँ भी बात करो, यहाँ भी बात करो, यहाँ भी बात करो, यहाँ भी बात करो, सब जगह पर पोटेंशियल हमारा बराबर। फिर ये छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, यहाँ इतना, ये इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से इस पोजिशन पर जाएंगे, इस जगह से जाएंगे, इस जगह 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 जाएंगे, हर जगह पर इसका पोटेंशियल सेम है, यहां से तुम यहां जाओ, चाहे तुम यहां से यहां मूव करो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल तुम्हारा सेम। फिर ये वाले पार्ट को अगर काटो तो बड़ा थोड़ा आएगा, बड़ा थोड़ा आएगा, मतलब वही चीज है, छोटा सा टुकड़ा, फिर उससे बड़ा टुकड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा,
ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझ आया इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ इच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो एक ऐसा सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर समान हो, उसी को इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। समझ आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गया। देखो अब अगर देखते हैं हम लोग यहां पर, तो किस जगह पर बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस जगह पर देखे तो कहां पर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किस पोजीशन पर स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा बताओ। तो हम लोग अगर देखें इसमें तो यहां पर डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें तो इस जगह पर डेंसिटी ज्यादा है। छोटा सा एरिया पकड़ते हैं ना, छोटा सा एरिया इतना, और यहाँ पर छोटा सा एरिया पकड़ते हैं तो डेंसिटी इसका कम है। डेंसिटी ज्यादा यहाँ पर क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा कम हो गया। तो जितना जहाँ अगर हम लोग उसके सेंटर की ओर जाए ना तो यहाँ पर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर कुछ होगा, इतना सरफेस की बात करें, छोटा सरफेस यहाँ पर इतना सरफेस पे सारा इक्वल पोटेंशियल होगा। फिर थोड़ा सा बड़ा बढ़े मतलब यहाँ तक जाने में थोड़ा इक्वल होगा, फिर यहाँ पर बढ़े तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर इस तरह से हर पॉइंट पर जिसका एक पोटेंशियल सेम हो, इक्वी पोटेंशियल स्पेस नियर द, हाँ नियर द सेंटर। चलो ठीक, उम्मीद करते समझ आ रहा होगा, अगर दिक्कत है तो पूछो कमेंट करके। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास में है क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या प्रॉपर्टीज हुआ करता है, प्रॉपर्टीज पोटेंशियल सरफेस। तो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो कैसा कैसा प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे फर्स्ट चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी सरफेस की बात करें, कहीं पर भी अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, नियर द सेंटर, अच्छा वही पुराना कमेंट है, चलो ठीक। तो नो वर्क डन, अगर देखो क्या है ना कि एक सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस ले रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, सरफेस हमारे पास में सरफेस है। कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नो वर्क होगा, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लो तो सभी जगह पर तो पोटेंशियल इसका सेम है, हर जगह की बात करते हैं पोटेंशियल सेम है, यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो। तो इसके ओवर अगर कहीं पर भी जाए ना हम लोग तो जाने के बाद इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। कितना होगा, वर्क डन इसका जीरो होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका यही कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का क्या कहता है कि अगर तुम कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर मूव करते हैं तो मूव करने में इसका जो भी होगा वो जीरो होगा, ठीक है। चलो कैसे होगा जीरो, चलो प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो मान के चलो कि एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिए यहां पर छोटा सा पॉइंट लिए, ठीक है ना, छोटा सा पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। पहले वाले पॉइंट का नाम है ए और दूसरे वाले पॉइंट का नाम क्या है, बी है। पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया। तो यहां पर क्या है, देखो इस वाले पोजीशन पर अगर बात करो पोटेंशियल कितना है, तो मानकर चलो सपोज करते हैं बी ए है, क्या है बी ए है। और दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले पर क्या है बी बी है, क्या है बी बी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। दोनों का वैल्यू कितना, बराबर है, मतलब बी वन हमारा क्या होगा बी टू के बराबर, क्योंकि सब जगह पर हर पॉइंट पर लो तो हर पॉइंट पर इसका सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल तो बराबर होना है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग इसमें निकालें वर्क निकालें तो वर्क डन बराबर कितना होगा, जैसा कि हम लोग को पता है कि वर्क डन बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्यू और इंटू क्या भी ए और माइनस में क्या भी बी, ये ना पता है, जैसा कि पढ़े थे हम लोग, वर्क बराबर चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर चार्ज कितना, जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हम लोग इसके सेंटर पर चार्ज लिख देंगे, और बी ए और माइनस क्या भी बी है, तो बी ए और माइनस भी बी है, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू सेम है, जैसा कि जान रहे हैं दोनों लिख देते हैं भी, दोनों क्या भी हो जाएगा, तो भी ए माइनस भी बी, तो चार्ज का क्यू लिखो। अब देखो तो भी ए हमारे पास में है, तो भी ए का भी ए हो जाएगा और माइनस का माइनस, इसका भी लिख सकते हैं, तो भी माइनस भी कटकर जीरो आ जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर वर्क करेंगे तो वर्क इसका कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, प्रूव हो गया। तो एग्जाम में प्रूव करने दिया जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, ठीक है। क्या काम है, क्या
समझ आ गया ना सभी लोगों को? बता दो क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क होता है, क्यों होता है बताओ? तो इसी कारण से होता है कि सरफेस की बात कर रहे हैं ना, सरफेस में इस जगह पर लो चाहे इस जगह पर लो चाहे हर जगह पर तो पोटेंशियल सेम है। हम लोग जान रहे हैं वर्क बराबर क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अब वर्क हमारा क्यू है तो क्यू का वैल्यू क्या, क्यू जो भी रहेगा हमारे पास में जो भी मैग्नीट्यूड रख दो। अब वी ए तो वी ए का वैल्यू जीरो, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है तो सेम माइनस सेम कटकर जीरो जीरो। अब वर्क हमारा क्या जीरो, तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि वर्क डन है वो जीरो होता है। समझ आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत है? चलो ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता है, स्क्रीनशॉट हो गया? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। सभी लोग बता दो कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को? इक्विपोटेंशियल सरफेस का पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को अगर मूव कराते हैं तो मूव कराने के बाद उसका जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे दूसरा देखें। तो दूसरा वाला इसका जो क्या है कि प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या होता है? चलो ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका डायरेक्शन अगर देखें तो वो डायरेक्शन किधर की ओर डायरेक्टेड होगा? वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की तरफ होगा। चलो अगर हम लोग एक इस तरह से ले रहे हैं सरफेस, कैसा सरफेस? ऐसा सरफेस, ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के यहाँ पर सोर्स चार्ज हमारे पास में रखा हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा निकलेगा, फिर ये यहाँ से 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 ऐसा निकलेगा, मतलब हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है? चलो इस तरह से अगर ऐसा सरफेस ले रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ नॉर्मल इसका होगा, ठीक है ना? चलो यहाँ से यहाँ तक देखें पॉइंट, तो इसका नॉर्मल होगा। फिर अगर हम लोग स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर स्फीयर में क्या होगा? ऐसा इस तरह से कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा, मतलब हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है ना? तो अगला प्रॉपर्टी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका क्या है? नॉर्मल होगा। बोलो क्लियर है? समझ आता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो डेरिवेशन अभी कराए थे इसका, प्रूव कराए थे, वो प्रूव को भी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना? अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगला प्रॉपर्टी देखें तो देखो क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये हमारे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो ये मेरे पास में क्या कुछ इस तरह से है, अभी मोबाइल मेरा भी व्यस्त है, अभी नहीं हो पाएगा कुछ, क्लास खत्म करेंगे 5 मिनट के बाद, तो ठीक है ना, अभी नहीं हो पाएगा कुछ, क्लास खत्म करेंगे 5-6 बजे, तब सारा जो कॉल रिसीव करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है? सारा मोबाइल यहाँ इंगेज है, यहाँ पर एक वहाँ लगा हुआ है, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है ना? चलो क्लास खत्म होने के बाद कॉल करेंगे हम। इस तरह से कुछ है, देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर लेते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, अगर हम लोग डायग्राम देखें, ये वाला डायग्राम देखते हैं, कौन सा डायग्राम? ये वाला यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले जगह पर देखें तो इस वाले जगह पर क्या होगा, तो इस वाले पोजीशन पर देखें तो स्ट्रांग है ना, नियर सेंटर के नियर में स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, वीक होगा, क्यों? क्योंकि इसके डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, इस वजह से, ठीक है ना? तो अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी कुछ ये हम लोग कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग फील्ड। जहाँ पर स्ट्रांग फील्ड होगा वहाँ पर क्लोज होगा, देखो ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो जहां पर स्ट्रांग होगा क्लोज होगा या क्लोज होगा, तो स्ट्रांग होगा, दोनों आपस में रिलेटिव है, ठीक है? चलो अगला क्या है,
नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। ऐसा नहीं होगा कि इसका जो सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर जाए, वो क्या हो जाए एक दूसरों के साथ में जाकर इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब कि ये सरफेस हमारे पास में है एक सरफेस, दूसरे सरफेस से क्या हो कट जाएगा, फिर अगला सरफेस से कट जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पोजीशन का, जैसे देखो ये सरफेस हमारा कुछ ऐसा है और दूसरा सरफेस हमारे पास में कुछ ऐसा है, तो ये वाला पॉइंट तो यहां पर कॉमन पॉइंट हो गया ना, तो यहां पर भी इसका पोटेंशियल कुछ अलग है, यहां पर मतलब दो 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 दो, ये तो अलग सरफेस है ना, ये वाला अलग सरफेस है, तो यहां पर दोनों एक ही जगह पर कट गया ना, दोनों एक ही जगह पर कट गया, दोनों एक ही जगह पर कट गया मतलब यहां पर भी ए का भी और भी का दोनों का सेम, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग देखे थे सेम उसी से मोबाइल मेरा लगा हुआ नहीं हो पाएगा, बोले तो मेरा ही मोबाइल उसमें लगा हुआ कैमरा में, तो क्लास खत्म होने के बाद हम करेंगे ना, क्लास खत्म बाद हम देख लेंगे मैसेज, ठीक है चलो। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा है, तो इसका समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, सारा मोबाइल इंगेज नहीं हो पाएगा। अच्छा हम करते हैं 10 मिनट में करते हैं, हम चिंता का ही कर रहा 10 मिनट हम करते हैं, हो गया चलो ठीक, 10 मिनट अपने कॉल करते हैं ठीक चलो। तो ये है हमारे पास में, अगला क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास में है इस तरह से, अगर हम लोग लेते हैं कैसा कि पॉइंट चार्ज, कैसा लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं ठीक है, एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो छोटा सा जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा, देखो पहले छोटे से सरफेस के लिए कुछ इस तरह से, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, जो डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है डॉटेड लाइन, यही डॉटेड लाइन हमारा क्या है इसका क्या है सरफेस हो गया, इसका ये सरफेस हो गया ठीक है, डॉटेड लाइन अगर बात करें, ये डॉटेड लाइन, ये जो छोटा छोटा डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, यही इसका सरफेस बता रहा है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो ऐसा होता है ठीक है ना, तो हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ, बोलो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो सबका कैसा कैसा होता है इसका। अब इसमें एक और चार्ज अगर हम लोग ले आए, दूसरा अगर एक और चार्ज ले आए तो कुछ ऐसा होगा, देखो यहां पर, यहां पर अब की बार क्या है कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एन अपोजिट चार्ज, दो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक हमारे पास नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जैसा हमने इसका फील्ड लाइन जो है ना वो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जाएगा ऐसा, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, तो यहां पर क्या हो गया कि इस जगह पर सारा क्या होगा इससे लैटरली इस तरह से होगा चलो। तो यहां पर क्या है ना कि इस जगह पर कुछ इस तरह से ये ऐसा होगा, मतलब इसको सिंपल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगर दिखाएं तो कुछ ऐसा, तो इसमें इस वाले पोजीशन पर डेंसिटी ज्यादा है, इस वाले पर डेंसिटी क्या है, मतलब डेंसिटी कम है डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी कम है डेंसिटी ज्यादा, ऐसा हो सकता है, ऐसा इसमें हो सकता है ठीक है चलो। क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेते चलो सभी लोगों का, सभी मतलब स्क्रीन का, चलो ठीक है। तो पहला दूसरा क्या, अगर अगला देखें हम लोग नेक्स्ट, तो इसका कुछ ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू क्या है, इक्वल पॉइंट चार्ज, दो इक्वल पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे ठीक है ना। तो इस कंडीशन पर कुछ इसका ऐसा बनता है, देखो यहां पर क्या है कि इस वाले पोजिशन पर इस तरह से आएगा, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो क्लोज्ड होगा बहुत ज्यादा, यहां पर कम है तो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना हम लोग को ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या है, 5 हो गया, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर फिर तो माइनस में है ना, माइनस में 2, माइनस में 5, माइनस में, तो जितना सेंटर के करीब जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, ज्यादा स्ट्रांग होगा मतलब माइनस में, फिर और भी जाएंगे तो कितना माइनस में 15 हो जाएगा, फिर माइनस में 10, माइनस 5, माइनस 2, फिर अब धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होगा इन्फाइनाइट से फिर 0 हो जाएगा ना,
जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फाइनाइट पर हम लोग जीरो देखते हैं ना। ठीक है चलो, तो इस तरह से इसका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला, तो ये वाला इसका सरफेस होगा। ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो इस तरह से कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका होगा। किसका? अगर हम लोग लेते हैं एक प्लेन सरफेस। तो बोलो समझ में आ रहा है? सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉइंट चार्ज का। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो अगले क्लास में, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस और क्या है मतलब, चलो इसको बता ही देते हैं, लास्ट टॉपिक बचा क्यों छोड़े। देखो तो यहाँ पर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक विजुअल पिक्चर दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन का, सभी का, इसका जो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, एक विजुअल पिक्चर पता कर सकते हैं डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का। जैसा कि देखे थे हम लोग नॉर्मल रहता है इसका, उसका जो भी है, तो हम लोग उस जगह पर क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन का विजुअल पिक्चर निकाल सकते हैं इसका। तो ये चीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही चीज है बस, और कुछ है नहीं। एक ऐसा सरफेस जिस पर पॉइंट हमारा क्या होगा, एक हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, बस इसी को कहते हैं। तो आज का क्लास एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो कल से जो है तुम लोग का टाइमिंग जो है वो कितना बजे होगा, कल से टाइमिंग तुम लोग का होगा 5:10 से शुरू होगा, ठीक है। 5:10 सभी लोगों को आ जाना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक हम भेज देंगे कि जिसको जिसको टेस्ट देना है रजिस्ट्रेशन कर लेगा, नहीं देना है नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद करें कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें, सभी लोग टेस्ट दें। तो आज का क्लास इतना ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। घर में पढ़ाई करो।